लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राजनेताओं की विवादित भाषणों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई से कांग्रेस ने संतुष्टि जताई। चुनाव आयोग ने सपा नेता आजम खान और भाजपा के नेता मेनका गांधी पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करते हुए प्रचार करने पर कुछ वक्त की रोक लगा दी। इस मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हमारे संवाददाता प्रीत किरण से विशेष बातचीत की। आप भी सुने क्या कुछ कहा। देश में चुनाव है, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, चुनाव आयोग एक्शन मोड में। सर, पहली बार चुनाव आयोग आपकी तरफ से ये माना जा रहा है कि एक्शन मोड में है, और जिस तरीके से तमाम नेताओं पे रोक लगाई है, क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी ने जो याचिका दी थी सफल है? पिछले 70 साल में ये हुआ भी पहली बार है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह के भाषण दें जो बांटने की मानसिकता से प्रेरित हों। कांग्रेस पार्टी पिछले 15-20 दिन से लगातार चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात की को संज्ञान लेकर चुनाव आयोग को अपने ताकत का एहसास कराया। चुनाव आयोग के पास कितने पावर्स हैं, कितनी उसके पास ताकत है, ये एहसास चुनाव आयोग को कल हुआ। हम इस बात का स्वागत करते हैं। जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे थे चौकीदार, आपने बताया कि जमींदार बन गए हैं, आपका आरोप ये है प्रधानमंत्री मोदी पे, अरुण जेटली पे आपने जमीन का घोटाले का या ये कहा जाए कि लोगों से छुपाने का आरोप लगाया। बिल्कुल, इन्होंने अपने हलफनामे में पहले प्लॉट नंबर कुछ और बताया, फिर कुछ और बताया, फिर बोला मैं 1/4 हिस्सेदार हूँ, जबकि लैंड रिकॉर्ड में आप पूरे हिस्सेदार हैं। तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1952 का जो प्रावधान है 125A, उसमें उसके तहत ये एक वायलेशन है और आपने छिपाया है, इसकी सजा होती है। उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा। राजस्थान से आते हैं, अब राहुल गांधी 23 तारीख को राजस्थान बांसवाड़ा डूंगरपुर दौरे पर जाएंगे। बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां करने के बाद माहौल बदलेगा, आप मानते हैं राहुल गांधी की रैली के बाद माहौल बदलेगा? नहीं, मोदी जी के बाद हमारे को और वोट मिलेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। राहुल गांधी ने माहौल बनाया हुआ है इस देश में, जहां जहां मोदी जी जा रहे हैं वहां वहां कांग्रेस का वोट बढ़ रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि 23 अप्रैल को, यानी कि राहुल गांधी 23 अप्रैल को बांसवाड़ा डूंगरपुर दौरे पर जाएंगे प्रदेश में, और माहौल बदलेगा कांग्रेस पार्टी ये मानती है। और हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जब राज्य में दौरे पर रहते हैं तो बीजेपी ये आरोप लगाती है माहौल बदलेगा, इस बार कांग्रेस उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV, दिल्ली।